गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने शुल्क मुक्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। ये लगभग जो ये विषय होते हैं वो एक से ही होते हैं, मतलब आपको अपने आप को एक निर्धन छात्र बताना है और अपने जो भी घर की समस्याएं हैं उनको लिखना है और छात्रवृत्ति प्राप्त करनी है, शुल्क मुक्ति प्राप्त करना है, या आपको स्कूल में जो आपकी लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, बुक बैंक है, उससे आपको पुस्तकें लेनी है। तो जो इसका मैटर होता है अर्थात जो इसका भाग होता है वो लगभग एक सा होता है, सिर्फ हमें थोड़ी सा शब्दों का हेर फेर करना होता है और समझना पड़ता है कि किसको कहाँ पर लिखना है। आज का जो हमारा विषय है वो क्या है, छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्राचार्य जी को। तो सेवा में हमने इसको हम देख लेते हैं हमने कैसे लिखा है, इसको हम समझते हैं। सेवा में श्रीमान प्राचार्य जी एपी नर्मदा उच्चतर माध्यमिक शाला सदर जबलपुर। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आप स्कूल शब्द नहीं लिखेंगे, यहाँ आपको शाला ही लिखना है या विद्यालय आप लिख सकते हैं, क्योंकि स्कूल जो क्या है वो इंग्लिश का शब्द हो जाता है। विषय छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन। अब यहाँ छात्रवृत्ति का क्या मतलब होता है, स्कॉलरशिप। आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आप ये आवेदन पत्र लिख रहे हैं किसको, प्राचार्य जी को। जैसे हमने पहले भी बताया है आपको कि आपको जो फीस माफ करानी हो, शुल्क मुक्ति प्राप्त करनी हो, कोई भी ऐसे आधिकारिक काम करने हो, तो वो कौन किसको अधिकार होता है, प्राचार्य जी को। और अगर 3 दिन से ज़्यादा छुट्टी आपको चाहिए हो तब भी जो आवेदन पत्र है वो प्राचार्य जी को ही लिखा जाता है, कक्षक शिक्षक और शिक्षिका आपको छुट्टी प्रदान नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। महोदय जी सविनय नम्र निवेदन है कि मेरा नाम, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपना पूरा नाम लिखना है विथ योर सरनेम। मैं आपके विद्यालय में कक्षा का छात्र हूँ, यहाँ पे आपको अपनी कक्षा लिखनी है। यदि आपका कोई पर्टिकुलर विषय है तो आप उस अपने विषय को भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। मैं एक निर्धन छात्र हूँ, मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, वे मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है क्योंकि उनकी आय से घर खर्च भी ठीक से नहीं चलता। मेरे 3 भाई बहन और भी हैं, सभी का खर्चा उठाना मेरे लिए, मेरे पिताजी के लिए संभव नहीं। अब यहाँ पे आपने कि आपको छात्रवृत्ति चाहिए है तो आपको यहाँ पे बताना है कि मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, मतलब ऐसा कोई छोटा मोटा काम करते हैं कि उनकी आय उतनी अच्छी नहीं है, घर का खर्चा भी नहीं चलता है, मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पा रहा हूँ, है ना। तो मेरे 3 भाई बहन और भी हैं, सभी का खर्चा उठाना मेरे पिताजी के लिए संभव नहीं है, अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मुझे मेरे पढ़ाई के खर्चों को उठाने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। साधन्यवाद। साधन्यवाद का क्या मतलब होता है, धन्यवाद सहित, यानी आप धन्यवाद दे रहे हैं कि आप जो है वो प्राचार्य आपको छात्रवृत्ति प्रदान करें। आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम, कक्षा, और यहाँ पे आपको जिस दिन आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं उस दिन का आपको क्या लिखना है, यहाँ पर दिनांक डालनी है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया आज हमने क्या पढ़ा, क्या हमने समझा, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और याद कीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आवेदन पत्र है आपकी परीक्षा के लिए।